जय हिंद दोस्तों, नॉलेज एट होम में आपका स्वागत है। तो आज हम राम सिंह यादव का मैथमेटिकल सेट 18 करेंगे। इससे पहले मैंने 17 सेट और कंप्लीट करवाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज इसको देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। सेट नंबर 18, फर्स्ट क्वेश्चन। 3192 सेबों को 32 पेटियों में बराबर रखा गया, एक पेटी में कुल कितने सेब होंगे? ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 3192 को अगर हम 32 से डिवाइड करते तो हमारा एक पेटी का आ जाएगा, जो कि हमारा 99.75 है। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा डी इसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 20 का 20% कितना होगा? तो 20 का मतलब होता है गुणा और 20% है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो मैं 0 0 काट दे रहा हूँ, 0 0 काट दे रहा हूँ, तो 2 2 4 हो गया, तो इसका 20 का 20% हो गया 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4a² - 9b² का हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा a² - b² का। ठीक है, तो क्योंकि हमारा होता है a - b a+ b इसका फॉर्मूला होता है, और तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रख दूंगा, तो 2a - 3b हो जाएगा ये। ठीक है, और 2a + 3b इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 3 गुनी से 6 मीटर कम है। मतलब कि जो लंबाई है उसकी, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 3 गुनी का मतलब 3b - 6 मीटर कम है। ठीक है, तो ये मेरा मैं बन गया, समीकरण बन गया। यदि इसका परिमाप दे रखा है 148 मीटर, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। हम कितना दे रखा है, 148 दे रखा है। ठीक है, तो l + b क्या हो जाएगा हमारा, 2 से इसको डिवाइड कर दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, 74। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं करूँ, क्या करूँगा, 3b - में जो हमारा ये है 166 जाएगा, प्लस में b बराबर में 74 दे रखा है। ठीक है, अब ये जो भी है ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो 4b हो जाएगा, और माइनस में 6 बराबर में 74 है। ठीक है, तो 4b ये माइनस का 6 है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये 80 हो जाएगा। तो हमारा बी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ब्रेथ कितना आ गया, 20। अब क्या करेंगे, हम इसका लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला वही समीकरण, 3b - 6। अब बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 60 आ गया हमारा, माइनस में 6, और हमारा एल आ गया 54। ठीक है, तो हमारा ब्रेथ आ गया इसमें 20, और लेंथ आ गया 20 54। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा हमको 5 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो इसका लंब क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज है मान लो ऐसा। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस। ठीक है, बेस दे रखा हमको 5 और हाइपोटेनियस दे रखा है 13। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, जो कि हमको हाइपोटेनियस दे रखा है 13 और बेस दे रखा है 5, और 13 का फिर स्क्वायर होता है 169 - में 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो इसको माइनस करते हैं तो √144 आता है, और √144 किसका होता है, स्क्वायर 12 का, तो हमारा क्या आता है, परपेंडिकुलर 12 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको समीकरण को सॉल्व करना है, जो कि हमारा समीकरण है 5x² + 13x + k = 0 दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, k इधर रहने दूंगा, और बराबर जो ये वैल्यू है इस तरह प्लट कर दूंगा, तो ये प्लस का 5x है, तो माइनस का 5x² हो जाएगा, और ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 500, और सेलिंग प्राइस क्या है 200। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 300, जो कि इसका हानि हो रहा है, 500 में खरीद कर 200 बेच रहे तो हानि हो रहा है, तो हानि हमको प्रतिशत ज्ञात करना है, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि इंटू में 100 और नीचे में कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो हानि हमको हो रही है 300 इंटू में क्या कर रही है 100, और कॉस्ट प्राइस क्या थी 500। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया, और ये 60 इसका फिर आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 आदमी एक दैनिक कोट 52 दिन में बना सकते हैं, तो 13 आदमी
कितने दिनों में बनाएंगे। तो इसकी छोटी सी ट्रिक होती है, तो 8 इंटू में 82, 52 करेंगे, ठीक है। कितने आदमी का निकालना है, 13 दिन का, तो नीचे 13 लिख देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 13 चौके 52, ठीक है। तो 8 चौके 40, ठीक, 32 सॉरी, ठीक है। तो 32 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22.5 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो गाड़ी की हमको रफ्तार या फिर चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमको दूरी कितनी दे रखी है, 450 मीटर, ठीक है, और समय क्या दे रखा है, 22.5 मीटर, ठीक है। तो मैं इसको कर लूंगा 22 दूनी 44, 45, 45/2 ये हो गया, ठीक है। हम क्या निकालना है, चाल निकालना है, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी इंटू में समय, ठीक है। ये दे रखे मीटर में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, और आंसर हमको किलोमीटर घंटे में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके पहले दूरी हमको दे रखी है 450, और समय कितना दे रखा है, 45/2, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, तो 450 × 2 × 45 हो जाएगा, वैल्यू चेंज जाएगी, और नीचे में 1 रख दे रहा हूँ, और साथ साथ मेरे को घंटे में निकालना है, तो 18/5 इसको वैल्यू को अप्लाई कर देता हूँ। तो इसको काटता हूँ, तो 10 बार में कट गया, तो हमारा क्या आता है, 10 दूनी 20, 20 × 18 और 4/2 है, ठीक है। तो ये कट गया 4 बार में, और फिर आपका इसका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योग दे रखा है हमको 45 है, ठीक है। उसका अनुपात दे रखा है 7:8, वह संख्याएं क्या होगी, तो हमको 45 वैल्यू दे रखी है, और रेशियो क्या दे रखा है, 7:8, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 15, ठीक है। अब 15 से इसको डिवाइड कर दो, 3 आती है, ठीक है। तो हमारी एक रेशियो की वैल्यू क्या आती है, 15। तो हमारी 7 रेशियो क्या आएगी, 7 × 3, तो 21 आ गई, और 8 रेशियो क्या वैल्यू क्या आएगी, 24, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणन फल, ठीक है। तो 1/2 विकर्ण हमारा कितना है, 8, और क्या है, 10 है, ठीक है। तो मैं 8 और 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 80 आ गया, ठीक है, और 2 से इसको काटता हूँ, तो 40 आ जाएगा। तो 40 इसका हमारा क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin C - sin D का हमको मान ज्ञात करना है। तो मैं इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जैसे कि sin θ - बराबर में क्या होता है, 2 cos, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos C + D × 2 sin C - D × 2, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो इसकी छोटी सी ट्रिक होती है, हमें क्या करना है, 10 × 6 × 10 करना है, और कितने रुपए कमाते हैं, 150 रुपये, ठीक है। इक्वल में क्या रखना है, 8 × 7, यहाँ पर एक्स मान लेना है, ठीक है। आपका करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 60/150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 49, ये तो 56, ठीक है, बटे में एक्स, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हमारा इसका 60 ही आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 150 को, सॉरी 150 है ये, तो 150 को अगर 56 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारा आता है 8400, बराबर में 8400 लिखना है, 0 0 कट जाएगा, और इसको मैं काट दे रहा हूँ 2, और भी ये आपका आ जाएगा फिर 280, और 2 से इसको काटूंगा तो 140 आता है। तो 140 रुपये कमाएंगे वो, 8 आदमी 7 दिन में 140 रुपये कमाएंगे, ठीक है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं करा, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 6 × 10 × 150 रुपये कर दे, इक्वल में रख क्या रख दिया, 8 आदमी 7 दिन में एक्स रुपये कमाएंगे, ठीक है। अब क्या कर दे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा 140 इसका आंसर आया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।